उपस्थित प्रतिभागी, अभी आपने सुना कि मुझे स्वामी विवेकानंद का योग संदेश इस विषय पर आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के संबंध में बहुत से सुंदर और प्रेरणापूर्ण विचार सुने हैं। यह एक युवा सम्मेलन है और युवाओं की राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। दुनिया के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो क्रांतियां और संग्राम हुए हैं उनमें युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के ही स्वतंत्रता संग्राम की बात लीजिए, कितने युवकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र बनाया। सन 1942 के आंदोलन में जब सभी देश के बड़े नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे, उस समय युवकों ने ही और विशेषकर छात्रों ने ही स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला देश के चारों कोनों में फैलाई थी और अपने त्याग और सेवा के माध्यम से, अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सल्तनत की नींव मिला दी थी। सुभाष चंद्र बोस सहित भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने युवा काल में ही स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और यह हमारे देश के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि हमारा यह देश विश्व के सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश है। और युवकों को यदि सही मार्गदर्शन प्राप्त हो तो निश्चित रूप से हमारे देश के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के अजस्र स्रोत हैं। वे चिर युवा हैं और इसीलिए हम उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने संदेशों के प्रचार और प्रसार के लिए तथा अपनी योजनाओं के संचालन के लिए स्वामी विवेकानंद ने युवकों का ही मुंह ताका था। अमेरिका से अपने पत्र में युवाओं के नसों में अग्नि का संचार करते हुए उन्होंने लिखा था, इन तथाकथित धनिकों पर भरोसा मत करो, मुझे विश्वास है तुम युवकों से जो विनीत, निराभिमानी और ईश्वर परायण है। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करो, वह सहायता अवश्य मिलेगी। मैं 12 वर्ष तक मस्तिष्क में यह विचार लादे हुए और हृदय में यह भार लिए हुए इन तथाकथित धनिकों के दर्द और घुमा आधी पृथ्वी का चक्कर लगाकर मैं इस अजनबी देश में सहायता मांगने आया हूँ। ईश्वर मेरी सहायता करेगा। मैं इस देश में भूख और जाड़े से भले मर जाऊं, परंतु युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस प्राणपण प्रयत्न को साथी के रूप में तुम्हें सौंपता हूँ। जाओ, इसी क्षण जाओ उस पार्थ सारथी के मंदिर में, उनको साक्षांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महान बलि दो और प्रतिज्ञा करो कि तुम अपना जीवन इन 33 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। इस संग्राम में सैकड़ों खेत रहेंगे, सैकड़ों पुनः खड़े हो जाएंगे। जीवन क्षणिक है, मृत्यु भी क्षणिक है। आगे बढ़ो, पीछे मत देखो कि कौन गिरा। प्रभु हमारे सेना नायक है। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो तो ऐसा
आह्वान स्वामी जी ने युवकों का किया और जैसा कि मैंने कहा कि युवक ही उनकी समस्त आशाओं के केंद्र थे और अपनी सारी योजनाओं का संचालन, अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन वे युवकों के माध्यम से ही करना चाहते थे और इसीलिए युवा शक्ति को स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी देन है। स्वामी विवेकानंद युवकों में जो सबसे प्रमुख गुण देखना चाहते थे वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही समस्त सफलताओं की जननी है और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने युवकों को संदेश देते हुए कहा, विश्वास, विश्वास अपने आप पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, यही सफलता का रहस्य है। उन्होंने कहा कि यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं को भी मानते हो, 33 करोड़ देवताओं पर भी विश्वास करते हो पर अपने आप पर विश्वास नहीं करते तब भी तुम धार्मिक नहीं हो। उन्होंने कहा कि दुनिया का इतिहास थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिसमें प्रचंड आत्मविश्वास था और इस आत्मविश्वास के साथ स्वामी जी ने धर्म और ईश्वर को जोड़ा, क्योंकि बिना धर्म और ईश्वर के व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। आत्मज्ञान का उपदेश स्वामी जी ने दिया, आत्मानं विजानी, अपने आप को जानो, यह हमारे उपनिषदों का शाश्वत संदेश है और स्वामी विवेकानंद उपनिषदों के इसी संदेश को सारे विश्व को सुनाना चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि व्यक्ति को जब आत्मज्ञान होगा तब उसे अपनी शक्ति का बोध होगा। स्वामी जी कहते थे कि उपनिषदों में ऐसी शक्ति है कि सारे संसार को वे तेजस्वी बना सकते हैं और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि अब लोगों को आत्म तत्व सुनने दो, यह ज्ञान लेने दो कि नीच से नीच व्यक्ति में भी ईश्वर विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। स्वामी जी ने लंदन में भाषण दिया, द रियल नेचर ऑफ मैन, और उसमें उन्होंने मनुष्य के दिव्यता को प्रकट करने की बात कही। स्वामी जी ने कहा, मे नॉट टॉट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दैट दे आर वीक एंड सिनर्स, टीच देम दैट दे आर द ग्लोरियस सन ऑफ इमॉर्टैलिटी इवन दो हु आर लोवेस्ट इन मैनिफेस्टेशंस, लेट स्ट्रॉन्ग यूजफुल एंड पॉजिटिव थॉट्स एंटर इनटू देयर ब्रेन from any childhood, say to yourself, I am he, let it ring day and night like a song in your mind, and even at the time of death declare, I am he, the infinite word of strength is yours, drive out the superstition that has covered your mind, let us be brave, know the truth, practice the truth. The goal may be distant, but arise, awake and stop not till the goal is reached. स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि वे दुर्बल और कमजोर हैं, वे पापी हैं, उनको सिखाओ वे तो आत्मा की अमर संतान है, यशस्वी संतान है, उनको बताओ जन्म से ही उनके मस्तिष्क में साहसपूर्ण विचारों को घुसने दो, अपने आप से कहो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। एक गाने की भांति यह जो विचार है वह मन में दिन रात घूमते रहे, गूंजते रहे और मृत्यु के क्षण भी घोषित करो कि मैं वही हूँ। संसार की असीम शक्ति तुम्हारी है, इस अंधविश्वास को झटक कर दूर फेंक दो जिसने तुम्हारे मन को ढका हुआ है। हमें साहसी होना है, सत्य को जानो, सत्य को जीवन में आचरित करो, लक्ष्य भले दूर हो पर तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। चुरस्य धारा निशिता दुरंतया दुर्गम पथातन कवियो बदंती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान कठोपनिषद का यह श्लोक है जो स्वामी जी को बहुत प्रिय था।
जहाँ पर कहा गया है यह जो मानव जीवन की पूर्णता का पथ है वह बहुत कठिन है, ऐसा ही कठिन है जैसे चूरे के नोक पर चढ़ना। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो स्वामी जी निरंतर जागृत रहने का उपदेश देते हैं, निरंतर आगे बढ़ने का युवकों को उपदेश देते हैं। परिस्थितियों से नहीं घबराना है, परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है, लक्ष्य पर हमारा ध्यान केंद्रित होना है और लक्ष्य को हमको प्राप्त करके रहना है। स्वामी जी ने चरित्र गठनकारी और मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा का संदेश हम सबको दिया। शिक्षा वही है जो हमें जीवन संग्राम में सफल बनाए। जो व्यक्ति में चरित्र बल, परहित भावना और सिंह के समान साहस पैदा करे, जो अपने आप को पैरों पर खड़े रहने के योग्य बनाए, जिस शिक्षा के द्वारा हम जीवन निर्माण करते हैं, मनुष्य बनते हैं, विचारों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, वही शिक्षा शिक्षा कहलाने योग्य है। स्वामी जी ने शिक्षा की बहुत सुंदर परिभाषा दी। स्वामी जी ने कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के भीतर जो पहले से ही पूर्णता है, उस पूर्णता की जो अभिव्यक्ति है वही शिक्षा है। हमारा वेदांत दर्शन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति छुपी हुई है, उस अनंत शक्ति को प्रकट करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। शिक्षा वह माध्यम है जिसके भीतर, जिसके द्वारा हम अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, अंत और बाह्य प्रकृतियों का नियमन करके अपने भीतर के उस दिव्य भाव को जागृत करना ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है। इसे ज्ञान योग के द्वारा करिए, कर्म योग के द्वारा करिए, भक्ति योग के द्वारा करिए, राज योग के द्वारा करिए, सब के द्वारा करिए और किसी एक के द्वारा करिए और मुक्त हो जाइए, यही जीवन का लक्ष्य है। तो मनुष्य की दिव्यता को प्रकट करने की सीख स्वामी विवेकानंद ने दी है। हमारे भीतर जो अनंत शक्ति विद्यमान है, जो प्रच्छन्न है, जो छुपी हुई है, उस अनंत शक्ति को प्रकट करना है। हम लोग परिस्थितियों के प्रहार को झेलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग काल के आघात को निरंतर सहन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में, संसार में, जंजाल में निरंतर चक्कर लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल पर इधर उधर भटकने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर की संतान है। हमारे ऋषियों ने घोषणा की है, वैदिक ऋषियों ने घोषणा की है कि हम अपंग, अपाहिज, विहीन, अनाथ और असहाय व्यक्ति नहीं है, हम तो अमृत के पुत्र हैं। तूर्य स्वर में हमारे ऋषियों ने घोषणा की है श्रीणवंत विश्व अमृत पुत्रा आय कामानि विप्रानि तस्थु वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमै विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यते नाय। ऐ अमृत के पुत्रों सुनो, ऐ दिव्य धामवासी देवतागण तुम भी सुनो, मैंने सूर्य के समान परम तेजस्वी उस पुरुष को जान लिया है जो समस्त अज्ञान और अंधकार से परे है, अब उसको ही जान कर मृत्यु को जीता जा सकता है। श्वेता सूत्र उपनिषद का यह श्लोक है। स्वामी जी ने धर्म महासभा के अपने तीसरे दिन के वक्तव्य 19 सितंबर 1893 को शिकागो के धर्म महासभा में यह वक्तव्य दिया, इस श्लोक को उद्धृत किया। और जब वे इस श्लोक का उद्धरण दे रहे थे, उनको कंप हो रहा था,
उनको रोमांच हो रहा था, वे गदगद हो रहे थे और उसी गदगद भाव में वे कह रहे थे, अमृत के पुत्रों कैसा मधुर संबोधन है यह, बंधुओं मुझे तुम्हें इसी नाम से पुकार लेने दो, निश्चय ही हिंदू तुमको पापी स्वीकार नहीं करता, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अरे तुम तो इस मर्त्य भूमि पर देवता हो, तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है, कतई है सिंह उठो और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम तो नित्य आनंद में आत्मा, उठो जागो और जान लो कि तुम्हारे अंदर सभी शक्ति विद्यमान है, जो कुछ भी बल और शक्ति चाहते हो वह तुम्हारे भीतर विद्यमान है, ऐ महान अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति को उद्बुद्ध करो, देखोगे कि दुनिया तुम्हारे चरणों पर लौटती है। स्वामी जी ने अपने गुरु भाई स्वामी रामकृष्णानंद जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने एक स्वरचित श्लोक लिखा, बिन नाम रोजसी सके वही सर्वशक्ति है, आमंत्रयस्व भगवन भगदम स्वरूपम त्रैलोक्यम एतत् किलं तव पादमूले आत्मैव हि प्रभवति न जड़ कदाचित्। क्यों रोते हो बंधु, सारी शक्तियां तो तुम्हारे भीतर निहित है, ऐ भगवान अपने उस भीतर की सर्वमान प्रकृति को उद्बुद्ध करो, त्रिलोकी का ईश्वर तुम्हारे चरणों पर लौट रहा है, आत्मा की जो शक्ति है वही बलवती होती है, जड़ की शक्ति बलवती नहीं होती। स्वामी जी ने इस आत्मशक्ति को जागृत करने का उपदेश दिया, सर्वहारा वर्ग के प्रति स्वामी जी की बड़ी गहरी सहानुभूति थी, उसको देश के विकास का वो ऋण मानते थे। स्वामी जी मानते थे कि विद्या ज्ञान और धन के उपभोग में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। स्वामी जी ने बार बार हमको स्मरण दिलाया कि भूलना नहीं, तुम्हारा राष्ट्र झोपड़ियों में बसता है और किसी गरीब का हक न मारा जाए यह देखना उन लोगों का काम है जो अपने आप को उच्च वर्ग का समझते हैं। स्वामी जी ने कहा कि यदि मजदूर काम करना बंद कर दें तो तुम्हें अन्न वस्त्र मिलना बंद हो जाएगा, तुम्हें निम्न वर्ग का मानते हो और अपनी संस्कृति की सेखी पघारते हो, अरे जीवन संग्राम में व्यस्त रहने के कारण इन दलितों पीड़ितों को ज्ञान का विकास करने का अवसर नहीं मिला, पर अब जमाना बदल गया है, लोग जाग रहे हैं, जन साधारण जब जागेंगे और तुम्हारे द्वारा अपने प्रति किए गए अत्याचार को जानेंगे तो उनके फूंक से ही तुम लोग उड़ जाओगे, उन्होंने तुम्हें सभ्यता का प्रवेश कराया है और वे ही तुम्हारी सभ्यता को ध्वंस करने वाले लोग होंगे, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इन गरीब वर्गों को ज्ञान दो, शिक्षा दो, इनको संस्कृति प्रदान करो, इन्हें निद्रा से जगाओ, जब ये जागेंगे और एक दिन अवश्य जागेंगे, जब ये जागेंगे तब तुम्हारी हितकारी सेवा के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, एक नवीन भारत का उदय होने दो, वह नवीन भारत उदय हो हल चलाने वाले किसानों की कुटिया से, मजदूरों मेहनतों और भंगियों की झोपड़ियों से, एक नवीन भारत उदय हो पर्वतों पहाड़ों और जंगलों से, इस प्रकार एक नवीन भारत के उदय का स्वप्न स्वामी जी ने देखा था, देशभक्ति का संदेश स्वामी जी ने हम सबको दिया। स्वामी जी ने कहा उस समय तो राष्ट्र परतंत्र था, देश को स्वतंत्रता दिलाना सबसे बड़ी उस समय देशभक्ति थी। स्वामी जी ने कहा आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा एकमात्र विचार केंद्र होगा, वह है हमारी महान मातृभूमि भारत,
दूसरे सभी देवताओं को तब तक के लिए सो जाने दो, एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा इष्ट हो, एकमेव आराध्य हो। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र, यही एक देवता है जो सब जगह जाग रहा है, जिसके सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह कान है, जो सभी वस्तुओं में व्याप्त है। फिर हम क्यों व्यर्थ में उन दूसरे देवताओं की ओर भागे और उस विराट की पूजा क्यों न करें, उस भारत की पूजा क्यों न करें जिसे हम चारों ओर देख रहे हैं। जब तक हम इस देवता की पूजा नहीं करेंगे, तब तक उन देवताओं की पूजा का कोई अर्थ नहीं होगा। जो देशभक्ति का आदर्श स्वामी जी ने रखा, आज एक दूसरी स्थिति दिखाई दे रही है। आज सर्वत्र स्वार्थ और भ्रष्टाचार की अग्नि में देश जलता हुआ दिखाई देता है। इंजीनियर पुल बनाते हैं, कुछ ही समय में पुल ढह जाता है। सड़कें बनती हैं, इंदो बरसात में सड़कें उखड़ जाती हैं। आप देख रहे हैं जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट का जहर मिलाया जा रहा है। ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर मजदूर पेशेंट से मोल भाव करता है। अवैध अंगों का कारोबार देश में बढ़ रहा है। और अजीत तो क्या कहे, अभी स्वामी जी पहले कह रहे थे, पूर्ववक्ता कह रहे थे कि प्रतिभा का पलायन हो रहा है। कितने दुख की बात है कि बच्चा इस देश की माटी में जन्म लेता है, इस देश में पलता बढ़ता है, इस देश के धन और संसाधनों का उपयोग करके वो शिक्षित होता है, और जब सेवा करने की बात आती है, नौकरी करने की बात आती है, तब इस देश को छोड़कर वह पैसों के मोह में विदेश चला जाता है, अपनी प्रतिभा को डॉलर से बेचता है, पाउंड से बेचता है। कहां गई राणा प्रताप की वह मातृभूमि के प्रति भक्ति, कहां गया गांधी जी का त्याग, कहां गया चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, इनकी शहादत, सब कुछ तो मानो स्वार्थ की अग्नि में जल रहा है। स्वामी जी देशभक्त होने का संदेश देते हैं, पर उनकी जो देशभक्ति है वह दूसरी देशभक्ति है, अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पण कर देना। आजकल तो सभी लोग देशभक्त होने का दावा करते हैं, प्रत्येक नेता अपने आप को देशभक्त कहता है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है, दूसरे को देशद्रोही बतलाती है। स्वामी जी ने देशभक्ति की परिभाषा दी है, स्वामी जी ने एक स्केल दिया है, उस स्केल से हम अपनी देशभक्ति को माप सकते हैं। एक थर्मामीटर स्वामी जी ने दिया है कि हम देशभक्ति के उत्ताप को जान सकते हैं। स्वामी जी ने देशभक्त होने की परिभाषा बताई है। स्वामी जी ने कहा है, लोग देशभक्त होने की चर्चा करते हैं, मैं भी देशभक्ति पर विश्वास करता हूं। बड़े काम को करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। पहला है हृदय, अनुभव की शक्ति। इसलिए मेरे देशभक्तों, तुम लोग हृदयवान बनो। क्या तुम अनुभव करते हो कि ऋषि मुनियों की करोड़ों संतान आज पशुतुल्य हो गई है? क्या तुम अनुभव करते हो कि लाखों लोग आज भूखे मर रहे हैं और लाखों शताब्दियों से इसी भांति भूखे मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादलों ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या यह सोच कर तुम दुखी हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुम्हारी नींद गायब कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ घुल मिलकर तुम्हारे धमनियों में प्रवाहित हो रही है? क्या देश के दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय वस्तु बन बैठी है? और क्या तुम देश की चिंता में विभोर होकर अपने नाम, यश, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की भी विशुद्धि बिसर गए हो? क्या तुम सचमुच ऐसे हो गए हो? यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हाँ, केवल पहली सीढ़ी पर।
स्वामी जी दूसरे श्रेणी की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, अच्छा माना कि तुम अनुभव करते हो, पर मैं पूछता क्या गर्व की बातों में शक्ति क्षय न करके तुमने अपने लिए कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या लोगों को गाली न देकर उनकी सहायता को कोई मार्ग सोचा है? क्या स्वदेशवासियों को इस जीवन मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या उनके दुखों को दूर करने के लिए तो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है? बस यही दूसरी बात है, किंतु इससे भी पूरा नहीं होगा। और तब स्वामी जी देशभक्ति के तीसरे चरण की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि क्या तुम पर्वत का विघ्न बाधाओं को लांघ कर काम करने के लिए तैयार हो? सारी दुनिया यदि हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, फिर भी क्या तुम किसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? यदि स्त्री पुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए, भाग्य लक्ष्मी तुमसे रूठकर चली जाए, नाम कीर्ति भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? क्या तुम्हें ऐसी दृढ़ता है? बस यही तीसरी बात है। यदि ये तीनों बातें यदि तुम्हारे जीवन में हैं, तभी तुम सच्चे देशभक्त कहलाने के अधिकारी हो। स्वामी जी ने देशभक्त की बात कही। स्वामी जी ने राष्ट्र का आह्वान किया, ऐ वीर साहस का उल्लंघन कर गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, अनाथ भारतवासी, दलित्र भारतवासी, चमार भारतवासी, चांडाल भारतवासी मेरे भाई है। भाई कहो कि भारत की देवी देवियां मेरे ईश्वर है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरे जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है और भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने अदम्य कर्म शक्ति से युक्त होकर हमें कार्य करने का उपदेश दिया। उनके संदेश ठोस और चिरंतन, परिस्थितियों के प्रवाह से उनके संदेशों का मूल्य कम नहीं हो सकता। उनके संदेश अपने ही महत्व से महत्ववान है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। वे चिरकाल तक सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पत्र मैं बहुत आभारी हूँ पूज्य स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज का कि इस अवसर पर उन्होंने मेरा स्मरण किया, मुझको यह अवसर प्रदान किया कि स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें मैं आपके समक्ष रख सकूँ। और आप सब के प्रति भी आभार प्रदर्शित करना मैं अपना पूरी कर्तव्य समझता हूँ। आप सब ने मुझको सुना, मुझे उत्साहित किया, धन्यवाद आप सबको।